तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कृष्णा इसके चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के बारे में। जहाँ दोस्तों, वीवो फ़ोन में आप iOS का जो कंट्रोल सेंटर रहता है उसे आप कैसे इनेबल कर सकते हो, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा। ठीक है गाइज, तो यार आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और गाइज ये जो है आप वीवो के फ़ोन में ही नहीं, किसी भी डिवाइस में, जी हाँ दोस्तों, किसी भी एनी एंड्रॉयड डिवाइस में आप इस ट्रिक्स को जो है यूज़ कर पाओगे। तो यार आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखिए, सबसे पहले जो है मैं आपको सेटअप बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप ओपन करोगे यार, कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ परमिशंस वगैरह आपको मांगेगा, तो आपको यहाँ से परमिशंस दे देनी है और इसे जो अलाउ है कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। ऐड वगैरह आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमाइज कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, कस्टमाइज कंट्रोल पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे कि आप कंट्रोल सेंटर्स में आप क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हो। जैसे कि ऊपर देख रहे हो आपकी जो फ्लैश लाइट एंड क्लॉक है, कैलकुलेटर, कैमरा वगैरह, और जितनी ये चार चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पहले से मिल जाएंगी। अदरवाइज इनमें से अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैंने ये बता दिया, अगर कोई और चीज़ कंट्रोल सेंटर्स में ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हो। फिलहाल मेरे लिए वही काफ़ी है जितनी हैं, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है पोजीशन, तो पोजीशन से आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो कि कहाँ पे रखना है आपको। लेफ़्ट साइड से निकालना है, राइट साइड से निकालना है, वर्टन से निकालना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा यहाँ पे कॉलर कैपेसिटी, विजेट और हाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप अपने हिसाब से रख लेना। ठीक है, मैं नॉर्मली रख लूँगा जो है पहले से। म्यूजिक कंट्रोल सेंटर से आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को मिल जाएगा कि आप म्यूजिक जो है वो कौन सा यूज़ करना चाहते हो। तो आप जो भी चाहे यूज़ करना है, मैं डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड में अगर आप इमेज लगाना चाहते हो तो आप इमेज लगा सकते हो, या फिर करंट वॉलपेपर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हो, या फिर विलर भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर स्वाइप अप वन क्लिक, तो आप जो भी सेटअप करना चाहे गेस्टर से आप यूज़ कर सकते हो। डन, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। हाइड इन फुल स्क्रीन्स, तो आप फुल स्क्रीन पर हाइड भी कर सकते हो। चलिए, ये जैसे आपने इनेबल किया, ये चीज़ का आपको याद रखना है, ये आपका इनेबल होना चाहिए। ठीक है, ये वैसे तो इनेबल आता ही है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हमारा जो सेटअप है वो ऑलरेडी हो चुका है। अब आप कहेंगे कि यार कंट्रोल सेंटर्स कैसे यूज़ करो। देखिएगा, यहाँ पर आपको एक छोटा सा, जो अगर मैं लाइट करके दिखाऊँ, छोटा सा जो है निशान दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, लोगो दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही है आपका जो शॉर्टकट सेंटर्स। ठीक है, अगर आप इसे इस टाइप से खींचते हो, देखिए मैं यहाँ पे खींच के दिखा देता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पे। यहाँ से ये फर्स्ट टाइम जो परमिशंस मांग रहा है, चलिए यहाँ पे मैंने परमिशंस भी दे दिए। और अब जैसे आप खींचोगे तो आपका जो शॉर्टकट सेंटर्स है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से और परमिशंस मांगेगा। ठीक है, मैंने यहाँ से परमिशन दे दी है, तो ये देखिए आपका जो शॉर्टकट सेंटर्स है वो यहाँ पर निकल के आ गया। ठीक है, आप यहाँ से म्यूजिक प्ले कर सकते हो, वाईफाई नेटवर्क वगैरह, अपने हिसाब से आप सारी चीज़ों को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो सारी चीज़ों को यहाँ से आप जो भी आप सेटअप करना चाहोगे उनको कंट्रोल कर पाओगे और बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके से ये निकल जाएगा। ब्राइटनेस को भी यहाँ से अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से हर चीज़ यहाँ पर जो काफ़ी अच्छे से वर्किंग करेगी, आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये किस्म का जो है बहुत ही अच्छा और iOS का शॉर्टकट सेंटर है, जो कि आपके किसी भी एंड्रॉयड डिवाइसेस में काम करेगा। फिलहाल मैंने वीवो इसलिए कहा क्योंकि मैं जो ये वीडियो है वो वीवो की डिवाइसेस में बना रहा हूँ। तो ऐसे ही आप अपने किसी भी डिवाइसेस में इस ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।